सो गाइस, कल हमने चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था, आज हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑफ द नेक्स्ट पेज. दीज स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स. देर वर केयरफुली अरेंज बाई पीपल एंड वर यूज टू मार्क ब्रियल साइट्स. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डिकेन साउथ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. मतलब कि हमें जो है कुछ पत्थरों के बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, महापाषाण काल के हैं, और वे ऐसे अरेंज किए गए हैं बहुत अच्छी तरह से, जो है उनको जचाया गया है वहाँ के लोगों की तरह, जैसे बुरियल साइट्स नहीं बना दिया जाता कि भाई यहाँ पे जो है लोगों को दफनाया जाता है इसलिए. और ये जो है महापाषाण के हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ है, 3000 साल पहले है, और ये डिक्कन में स्टार्ट किया गया है, साउथ इंडिया की जगह है, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में ये आती है. सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप 2. वाइल सम मेगालिथिक कैन बी सीन ऑन द सर्फेस, अदर मेगालिथिक ब्यूरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड. सम टाइम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बाउलर्स और ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग इन द ग्राउंड. दीज आर ओनली इंडिकेट्स दैट देर वर ब्यूरियल्स बेनिथ. मतलब कि हमें जो है कुछ बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले हैं, महापाषाण काल के हैं, जो कुछ सरफेस पर रखे गए हैं धरती की सतह के ऊपर, और कुछ जो है अंदर रखे गए, जो हमें दिखाती हैं कि यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था. All these burials have some common features. Generally, the dead were buried with distinctive pots, which were called black or red ware. Also found were tools and weapons of iron, sometimes skeletons of horse equipment and ornament of stone and gold. और कॉमन फीचर है जो दफनाए गए हैं, सभी में जो है कॉमन चीज़ मिली है, जैसे कि जो लोग दफनाए जाते हैं उनमें कुछ बर्तन दफना देते हैं जो लाल या काले रंग के होते हैं, उनको ब्लैक या रेड वेयर बोलते हैं. और जैसे कुछ शस्त्र और हथियार भी पाए गए हैं जो लोहे के बने, या फिर जो घोड़े की जो ढांचा है शरीर का उससे बने हैं, या फिर जो घोड़े के उपकरण से, या फिर कोई आभूषण सोने का, ये पाए गए हैं सब कुछ ब्यूरियल के साथ. और सोशल डिफरेंसेस को हम पढ़ेंगे, कैसा सोशल डिफरेंस है. आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद ए स्केल्टन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन. समटाइम मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर. फाइंड द ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2. हेयर वन स्केल्टन वॉज बर्ड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल. Other skeletons have only a few ports. These finds suggested that there was some differences in status among as the people who were buried. Some were rich, other poor, some chief and other followers. मतलब ये दिखाता है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि जो डेड पर्सन है उसमें जो सेम ऑब्जेक्ट दफनाए गए हैं, अलग अलग दफनाए गए हैं, जैसे किसी में ज़्यादा है, जैसे एक ब्रह्मगिरी में एक मिला है ढांचा, उसमें जो है 33 जो है सोने के मन के हैं, 2 पत्थर के मन के हैं, 4 जो है कॉपर की चूड़ियां मिली हैं, और एक शंख मिला है, या फिर कुछ ऐसे भी हमें ढांचे मिले हैं जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सामान है. तो ये दिखाता है कि कुछ लोग गरीब हैं तो कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग जो है चीफ हैं ऊँचे दर्जे के हैं, तो कुछ जो है नीचे दर्जे के हैं. वर सम ब्यूरियल स्पॉट मीन्स फॉर सर्टेन फैमिली. समटाइम मेगालिथिक कंटेन मोर देन वन स्केल्टन्स. दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर ब्यूरियड इन द सेम प्लेस थ्रो नॉट एट द सेम टाइम. दीज बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर हु ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रो द पोर्थोल्स स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स प्लेस इन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व एज साइन पोस्ट टू फाइंड ब्यूरियल साइट सो दैट पीपल कुड रिटर्न इन द सेम प्लेस वैन एवर दे वॉन्टेड. तो मतलब ये दिखाया गया है कि भाई ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग जगह पे ही दफनाते हैं, जैसे एक परिवार के लोग हैं उनको एक ही जगह में दफनाया गया है, और मतलब कि दफनाने के जो चिन्ह देखे गए हैं, जैसे एक तो अभी डेड बॉडी अभी दफनाई गई है, फिर उससे कुछ बाद के समय के साक्ष्य मिले हैं. ए स्पेशल बुरियल एट इनामे गांव. इनामे गांव में एक स्पेशल बुरियल है जो महाराष्ट्र में ये गांव है. फाइंड इनामे गांव ऑन मैप 2. इट इज अ साइट ऑन रिवर गोद, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ भीम. इट वाज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो. हियर एडल्ट्स वर जनरली बुरियड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड द नॉर्थ. समटाइम बुरियल्स वर विद इन द हाउसेज. वेसल्स एंड प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड इन द डेड. जो इनामे गांव है उसमें पाया गया है कि एक जो नदी है गोद, जो कि भीम नदी की सहायक नदी है, और ये कब की बात है, 3600 से 2700 साल पहले की बात है, और इसमें जो एडल्ट हैं, जो युवा हैं, उनको दफनाया जाता है ग्राउंड में, उनको मिलके पैर सीधे करके, उनका जो सिर है वो नॉर्थ की तरफ होता है, और उनको जो उनके घर में ही दफनाया जाता है, और कुछ बर्तन रखे जाते हैं जिसमें कुछ भोजन और पानी रखा जा सके डेड बॉडी के साथ. वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन ए लार्ज 4 लाख क्ले जार इन कोर्टयार्ड ऑफ 5 रूम हाउसेज इन द सेंटर ऑफ सेटलमेंट. द हाउस आल्सो हैड ए ग्रीनरी. द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग पोजिशन. और एक जैसे वृद्ध आदमी है उसका दिखाया गया है कि उसका
उसका घर के ही आंगन में दफनाया गया है, 5 कमरे हैं और उसके जो पैर हैं वो क्रॉस सिचुएशन में रखे गए हैं, क्रॉस लेग पोजीशन है, और उसके घर में जो है एक अन्नगार भी है। ऑक्यूपेशन एट इनामेगोन, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं लोग, आर्कियोलॉजिस्ट है, फाउंड सीड्स ऑफ वीट, बार्ले, राइस, पल्सिस, मिलेट्स, पीज एंड शीशम, बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट दे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव आल्सो बीन फाउंड। दीज इंक्लूड कैटल, बुफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, शाम्बर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटेलोप, हेयर, मोनगोज, बिसाइड्स बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, अमला, जामुन, डेट्स एंड ए वेराइटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। मतलब कि ऑक्यूपेशन क्या है उस टाइम पे, जैसे कुछ बीज पाए गए हैं, गेहूँ, बाजरा, जौ, चावल, दाल, सीसम के कुछ हड्डियाँ पाई गई हैं पशुओं की, जो दिखाती हैं कि उस टाइम पशुओं को जो है अपने भोजन के रूप में भी यूज़ करते हैं, जैसे कट मिले हैं उनकी हड्डियों में, और कुछ जानवर पाए गए हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शुअर, घोड़ा और भेड़िया जैसे वाले, और कुछ पक्षी भी पाए गए हैं, जैसे कोई टर्टल है, क्रोकोडाइल है, बर्ड्स हैं, और कुछ फ्रूट मिले हैं जैसे बेर, अमला, जामुन, डेट्स, ये दिखाते हैं कि इन सभी को जो है ये लोग इकट्ठा करते हैं। सो आज के लेसन में सिर्फ इतना ही, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है आज कंप्लीट है, तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।